खंडवा में मौलाना अब्दुल समद के खिलाफ दर्ज किए गए प्रकरण पर मंगलवार को जमीयत उलमा खरगोन ने आपत्ति दर्ज कराई है। जमीयत ने डीआईजी से मुलाकात कर लिखित आवेदन सौंपते हुए कहा कि मौलाना को साजिश के तहत झूठे आरोप लगाकर फंसाया गया है, उन पर दर्ज मुकदमा वापस लिया जाए, उच्च स्तरीय जांच की जाए। डीआईजी कार्यालय पहुंचे हाफिज शान खां, मुफ्ती मुसहब जिलानी, मौलाना उमर कासमी, मुफ्ती इस्माइल आदि ने बताया कि मोघट थाने पर मौलाना के खिलाफ छेड़छाड़ एवं पास्को एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है, जबकि मस्जिद में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बिना जाँच के प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले की उच्च स्तरीय जाँच कर झूठी रिपोर्ट करने वाले के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हम लोगों ने आज डीआईजी ऑफिस में ज्ञापन दिया, हमारे खरगोन के जिला अध्यक्ष हाफिज चांद साहब और मुसहब जिलानी साहब और तमाम जितने भी हमारे मुस्लिम धर्मगुरु हैं सभी लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं डीआईजी साहब के समक्ष, और हम लोगों ने डीआईजी साहब से ज्ञापन देकर ये मांग की गई है कि अभी पिछले दिनों जो खंडवा के अंदर घटना हुई है जकरिया मस्जिद में मौलाना अब्दुल समद साहब के साथ, तो हमारी ये मांग है कि उस घटना में कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है और वो पूरा षड्यंत्र हमें नज़र आता है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जिस बच्ची का तरफ से वो इल्ज़ाम लगाया गया है वो बच्ची वहाँ पर उस मसलक की नहीं है, और वहाँ पर आए दिन वो मसलक का झगड़ा चलता ही रहता है उनके बीच में, तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और प्रशासन को पूरी इस मामले में जानकारी है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जहाँ की मस्जिद की घटना बताई जा रही है वो मस्जिद में 18 कैमरे लगे हुए हैं। डीआईजी साहब से हमने यही निवेदन किया है कि उन तमाम कैमरों की जांच की जाए और उसमें देखा जाए और जो भी निष्पक्ष हो वो कार्रवाई की जाए, और चूँकि मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके साथ कोई भी ऐसा व्यवहार ना किया जाए, दूसरे पक्ष के द्वारा उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है ये होना नहीं चाहिए, और शहर का माहौल जो उन्होंने ख़राब करने की कोशिश की गई थी और जो थाने पर हुड़दंग मचाया गया उसकी भी उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।